अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो शाजियाज फैमिली पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आप सब मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया। वैसे तो आज मैंने वीडियो डाली थी मुल्तान मीटअप की, लेकिन ये चूंकि एक कल फरीजा अदा किया है हमने, अल्हम्दुलिल्लाह एक अमानत थी वो हमने सौंप दी, बाइक जो हमने मोहम्मद आमिर भाई और उनके वालिद साहब के हवाले कर दी है, सोचा कि आपको पहले ये वीडियो शेयर कर दी जाए। बिना गैप दिए हम कल इंशाल्लाह आपको मीटअप वाली वीडियो भी शेयर कर देंगे। आप लोगों के जहनों में एक सवाल बहुत शिद्दत से घूम रहा होगा कि मोहम्मद आमिर भाई को ही हमने बाइक क्यों दी है, क्या हमने कुरानदाजी की थी या फिर ये हमारे कोई रिश्तेदार हैं? नहीं, ना तो हमने कुरानदाजी की थी और ना ही ये हमारे रिश्तेदार हैं। अगर आपको इनके बारे में जानना है कि ये बाइक अल्लाह पाक ने इनके नसीब में कैसे लिखी, उसके पीछे रीजन क्या था, ये सब करने के लिए आपको शाजिया फैमिली प्लस पर एक मेरी वीडियो आ रही है, इसी के साथ ही वहां आ चुकी होगी और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूं। और जिन्होंने मेरे न्यू चैनल शाजिया फैमिली प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और कमेंट में डन लिख दें। आपके प्यार और मोहब्बत की मुझे उस पर भी ऐसे ही जरूरत है। थैंक यू सो मच। चले आए आपको मिलवाते हैं मोहम्मद आमिर भाई से, उनके अब्बू से और उनके भाई से। फिर हाजिर है आपके सामने मोहम्मद आमिर भाई को। आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते जो नए आने वाले उनको मैं पहचान करवा देती हूँ। मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं आमिर भाई, जरा सा फेस दिखा दीजिए। ये मेरे हर मीटअप पे आते हैं और हमें बहुत प्यार देते हैं, मुझे अपने भाइयों की तरह दीजिए। और ये है जी आमिर भाई के वालिद साहब अंकल, मुझे आमिर साहब आमिर भाई से भी ज़्यादा प्यारे हो गए। देखिए आमिर भाई की तो आदत अच्छी थी लेकिन अंकल की आदत बहुत ही अच्छी है माशाल्लाह से। और ये है उनके छोटे भाई, और भाई आपका नाम उमैर भाई हैं, ये आमिर भाई के छोटे भाई हैं। आमिर भाई, पहले तो हम आपसे अफसोस कर लेते हैं इरम बाजी की डेथ का। और मैंने ये आप लोगों को याद होगा कि कराची से जब हम रुखसत हो रहे थे ट्रेन में, तो मैंने वहाँ पे भी दुआ करवाई थी, तो वो यही आमिर भाई हैं जिनकी बहन का जो है वो आज ही के दिन जुड़ने वाले दिन इंतकाल हुआ। आज 9 दिन हो गए हैं, 9 दिन पहले उनका इंतकाल हुआ है। अचानक से अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, करवट करवट जन्नत अता फरमाए। और वो बहुत ही कोई नेक खातून थी कि अल्लाह पाक ने उनको इतना अच्छा दिन दिया, और इतने ही जाना तो सब ने लेकिन इस तरह से अपने प्यारों के बीच वो चली गई। अल्लाह पाक आप सबको सब्र जमील अता फरमाए। तो आमिर भाई हम आपके साथ हैं, अंकल आपके साथ हैं, और सबसे बड़ी बात है अंकल मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, मैं अंकल की बहुत बड़ी फैन बन गई हूँ। और ये थी आप लोगों ने देख तो ली थी वीडियो में, तो इस वक्त हम खड़े हैं चेज वैल्यू के सामने अलादीन में, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो लिफ्ट बंद होती है तो अंकल को ऊपर चढ़ाना 9th फ्लोर पे मुश्किल हो जाता। तो लिहाजा हमने सोचा कि कोई ऐसी जगह डिसाइड कर लेते जहाँ पे इजी इनके लिए भी हो और हमारे लिए भी ईजी हो जाए। तो बहरहाल ये बाइक है आपकी और ये है आपकी अमानत, तो ये भी और साथ में इसके पेपर भी मेरे पास हैं। अभी आपके नाम के ना कुछ तस्वीरें भेजी हैं व्हाट्सएप करनी करी नहीं थी, और वो टाइम भी नहीं बता रही थी कॉल आ रहा है कि नहीं मिल पाया। रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा हूँ आई थी कॉल तो आप अंकल की ना उसको व्हाट्सएप कर दो, जो पापी ने अभी तक ये नहीं कर पाए ना, आप उसके ऊपर लकीरें लगा कर व्हाट्सएप करो। या बड़ी मेहरबानी है, व्हाट्सएप नहीं करो बल्कि फोटो कॉपी करके ना क्रॉस करके उसको दे दो। हाँ, एक आध दिन में ना उसको जाके दे दोगे तो वो फिर इसके डॉक्यूमेंट बनवा लेगा। ये है जी अंकल की अमानत, ये मिल तो बेशक आमिर भाई के तवसल से रही है लेकिन ये मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये मैं अंकल की अमानत उनके हवाले कर रही हूँ। दुआओं के साथ अंकल आप रिसीव कीजिए। अल्लाह ताला आपको मुबारक करे माशाल्लाह। आप हम ये दे रहे हैं अल्लाह पाक आपको लैम्बोर्गिनी दे, जैसे मेरे बेटे ने ना मोहम्मद ने इसका नाम लैम्बोर्गिनी रखा हुआ है और मैंने पिजारो रखा हुआ है। और हम लोग फर्स्ट टाइम इसको ड्राइव करके लेकर आए थे, इधर लाके खड़ी करनी थी और अच्छा ही हुआ, वरना तो जो हालात हो गए थे एकदम तो ना हो पाता है सब। लेकिन ये आपकी अमानत है, आप बैठे और स्टार्ट करें।
नहीं नहीं ये पहले से ही उतरा हुआ था। हाँ ये तो उतारने ही होते हैं ना जाहिर। बाइक स्टार्ट इनकी, अल्लाह पाक इनको मुबारक करे और अल्लाह पाक इससे ज्यादा इनको कई सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां दे और इनको अपना घर दे। आमीन सुम आमीन। आप भी आगे साथ आए, बहुत शुक्रिया कि अल्लाह ताला आपको मुबारक करे। बस आपके नसीब में था और अल्लाह ताला ने हमें वसीला बनाया। आपको दुआ करिएगा, बस अंकल आपकी दुआएं चाहिए और चेहरे पे आपकी मुस्कुराहट आई है। हालांकि ये मुस्कुराहट पहले आनी थी लेकिन अगर एक गम के बाद आई तो अजान हो रही है, बंद करते हैं। ज्यादा अल्लाह हाफिज़। अच्छा ये क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं थी गाड़ी तो उसने पर्ची नहीं बनाई वहाँ से, ठीक है। उन्होंने कहा आप सीधी ले जाएं अंदर उधर। अच्छा इसका जो गारंटी था वो बैटरी में है। बस जेब में रख लो भाई, गिरे नहीं, जरूरी है। ऐसे फोल्ड कर लेना, फोल्ड कर लेना। तो जी बस अब रवाना हो रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है जैसे मुझे मिली हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आपका बेटा बहुत अच्छा है बस, माशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। आप भी भाई को यही छोड़ दे। पूछ लेना बेटा फिर भी किसी से, ना इंजन वगैरह थोड़ा रवा करना होता है, फिर भी देख लेना, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता जाना, बस स्पीड नहीं अभी दिखाना फिलहाल। आप जो गाड़ी छोड़ दें जी। अल्लाह हाफिज़ बेटा, चले बेटा, अल्लाह हाफिज़। इधर से सामने से सीधे से। तो जी ये जिनकी अमानत थी उनके हवाले हमने की और बहुत खुशी हो रही है। ज़ुल्फ़िकार साहब आप कुछ कहेंगे? मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, जाहिर है किसी के नसीब में थी जो थी अमानत, अल्लाह ताला ने हमें दी और हमने उन तक पहुंचा दी अल्लाह के फजल से। अल्लाह पाक इसमें बरकत डाले, इनको इससे ज़्यादा दे। और हम भी अब चलते हैं वापस अपनी बहन के घर, बच्चे हम छोड़ कर आए थे और अब हम चलते हैं घर वापस।